7-8 स्कूल घुमाए नहीं इसलिए एक साथ आ गए। सबको मिलेगा हमारी यह मैसेज है कि आज हमने 46 आरआर के साथ हमारे कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट्स ने और भी एक आध दो स्कूलों के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। हमारी यही मैसेज है आम लोगों से आवाम से कि वो साफ़ सफाई का ख्याल रखें, अपने माहौल के इर्द गिर्द को साफ़ सुथरा बनाएं, एनवायरनमेंट को अच्छा रखें ताकि ये मुख्तलिफ किस्म की वबाई बीमारियाँ और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर रहें तो हमारा सेहत ठीक ठाक रहे तो और माहौल भी पोल्यूट ना हो जाए, क्योंकि आप देखते हैं कि अब एनवायरमेंटल पोल्यूशन दिन ब दिन ज़्यादा होता जाता है, वाटर पोल्यूशन भी ज़्यादा होता जा रहा है और हमें वाटर की अब दिन ब दिन सिकर्सिटी प्रॉब्लम हो जाती है, सिकर्सिटी हो जाती है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि एक तो हमारे स्कूल के इंटरनल एनवायरमेंट को और इसके इर्द गिर्द का जितना भी एनवायरमेंट है इसको हम साफ रखें। तो आज आरआर 46 जो था उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ और उनके अथवास के साथ और एमसीबी बारामूला भी इसमें शामिल थे कि हमारे स्कूल के स्टूडेंट ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो हम आवाम से ये गुजारिश करते हैं कि वो भी ज़रा जागरूक हो जाए, अपने माहौल को इर्द गिर्द को साफ रखें। तो सफाई तो खास कर तो एक अहम चीज़ है, तो सफाई रखी जाए। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और अच्छा प्रोग्राम है कि मेरा तो यही मानना है कि ऐसे इनिशिएटिव्स तो एट लीस्ट महीने में एक दो मरतबा होने ही चाहिए।
ताकि उससे जागरूकता बढ़ी जाए और इर्द गिर्द का माहौल जितना भी है, अपनी जो इर्द गिर्द की विसिनिटी है, स्कूल की विसिनिटी है, वो मोहल्ला है वगैरह है, लोकेलिटी है, तो उसमें भी साफ सफाई रहे, तो और लोगों को भी एक प्रेरणा मिले कि वो भी अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द के इलाके को साफ रखें।